आज के गेम प्ले की एंडिंग देख के आप लोग लिटरली बोलोगे भाई क्या ही है, क्योंकि एंड में सामने दो बंदे रहते हैं, मेरे दोनों टीममेट नॉक हो जाते हैं, मैं बचता हूँ अकेला, मैं उसके एक टीममेट को नॉक करता हूँ, उसको डैमेज करता हूँ और मैं गलती से पानी के अंदर गिर जाता हूँ और उसके बाद जो होगा भाई। फिलहाल के लिए आप लोगों का मोस्ट अवेटेड गेम प्ले आ गया है अल्टीमेट ग्लेशियर यूएमपी मैक्स, वो भी डबल यूएमपी के साथ, वो भी अल्ट्रा एचडी ग्राफिक 30 FPS के साथ, मैक्स ग्लेशियर एक्स सूट के साथ। भैया कमाल के फाइट सीन होने वाले, तो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो सेट। यहाँ पे उतरते ही एक बंदे की पेटी बनाई और अपने टीममेट्स को बोल दिया भैया यूएमपी ढूंढो। टॉप फ्लोर पे बंदे थे और ग्राउंड फ्लोर पे भी बंदे थे और मिड फ्लोर पे हमारा कब्जा था, तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट्स को बोला कि मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ऊपर रश करने के लिए और मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ अकेले। यहाँ पे दो बंदे नॉक करके फिनिश डाले और उसी टाइम पे यहाँ पे विकी को मिल जाती है यूएमपी। तो फाइनली अब यहाँ से गेम प्ले होने वाला है हमारा यूएमपी के साथ और आज हम लोग यूज करने वाले हैं डबल यूएमपी, मतलब M416 की जगह हम लोग लॉन्ग रेंज मिड रेंज के लिए भी यूएमपी का ही यूज करने वाले हैं। और ये देखो भैया किल मैसेज आया यहाँ पे सिल्वाना सूट का। अब मिड फ्लोर पे बंदे आ गए थे तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट रस कर देता हूँ, अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि जल्दी तुम लोग भी आ जाओ कवर फायर देने के लिए। एक बंदा मौली से नॉक हुआ, मैंने एक और मौली करी, उसके बाद एक और मौली करी, यहां मैंने दो बंदे नॉक कर दिए और ग्राउंड फ्लोर पे एक और बंदा एस्टल्व के साथ। भाई साहब अगर इतना खतरनाक जिगल नहीं होता तो ये बंदा निपटा देता। फिलहाल के लिए इसके एस्टल्व के सारे शॉट मिस हो गए और ये बंदा हॉल पे कुछ तो बोल रहा था और स्पाइडर मॉन हो गया मगन इसके साथ पनिशमेंट देने के लिए और चक्कू से उस बंदे को फिनिश कर दिया। लेकिन भाई ओबीटो भाई के पास अपना सिग्नेचर आउटफिट था, लगे यहाँ पे बंदों का खात्मा किया और उसी टाइम पे लेफ्ट साइड से दो बंदों की फुर्स आए। अंदर उन्होंने थ्रोएबल्स करने शुरू किए, मैंने सामने वाली एंट्री पे एक स्मोक डाला, एक यहाँ पे फर्स्ट वाली एंट्री पे स्मोक डाला और तभी मुझे ऊपर चढ़ने का एक बंदे का साउंड आया। अब यहाँ मैंने एक बंदे को नॉक किया, एक बंदे को विक्की ने नॉक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हील वगैरह करते हैं और उसी टाइम पे पीछे से अलग बंदे आ जाते हैं। यहाँ पे विक्की ने नॉक किया, इसका नाम पढ़ना थर्ड पार्टी करने के लिए बदला लेने के लिए। दो बंदे नॉक किए, इनका जो आखिरी टीममेट था वो नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे चला गया। एक पीछे और है, एक और है पीछे। मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे अपने टीममेट्स को बिना बताए डायरेक्ट आ जाता हूँ नीचे साइड और जैसे मैं यहाँ पहुंचा मैंने कॉल दिया भाई आ जाओ साथ में आ जाओ। उधर कोई राइट से आया, हाँ नीचे नाम पढ़ो अब यहाँ पे मैं नाम पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को क्योंकि ये पूरी की पूरी स्क्वाड हम पे आती है थर्ड पार्टी करने के लिए और हमारी इनसे फाइट भी होती है दूसरी बार। और भाई
जो गंदा घेरते हैं बंदे ना, बिल्कुल अलग ही गॉड लेवल का। फिलहाल के लिए यूएमपी और ग्लेशियर एक्सूट बिल्कुल एकदम कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों एक दूसरे को। हम वहां से सेंटा क्लॉज का उड़न खटोला लेके आए यासनाया, और यासनाया पे यहाँ पे टॉप फ्लोर पे बंदे थे बिल्डिंग्स के। तू क्यों बैठा है? अरे विक्की मार, पीछे भी है। भाई सबसे ज्यादा फनी सीन तो इस वाले बंदे के साथ हुआ। वो बंदा विक्की के पीछे, मैं उसके पीछे, और यहाँ पे सब क्राउच करके भाग रहे थे। फिलहाल के लिए इसको भरा, सामने से बॉट एंगल आए, इनको भरा, और तभी लेफ्ट वाली बिल्डिंग पे यहाँ पे इनका आखिरी टीममेट था। मैंने जल्दी से अपने टीममेट्स को बोला आके रिवाइव दो अंदर, रिवाइव हुआ मैं, और पीछे की साइड गया मैं उड़न खटोला लेने के लिए अपना। और ये देखो भाई, थर्ड पार्टी करने के लिए पहुंच गए वही बंदे जिनको हम लोगों ने, जिसको मैंने वहां पे 1v3 किया था विंटर कैसल पे। अब मैं उड़न खटोला लेके डायरेक्ट रस करने वाला था इन बंदों पे, लेकिन भाई ये बंदों ने तगड़ा वाला स्पॉट किया और स्प्रे दिया। मैं यहाँ पीछे साइड आया कि पीछे से रोटेशन दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी ने तगड़ा वाला स्पॉट करके फिनिश किया, मतलब डैमेज दिया। मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और भाई ये लोग ग्लिच, नाम पढ़ो वही बंदे भालू भाई, कमाल का ग्लिच है भाई। यहाँ पे एग्जिट करते ही आगे फेंका उसने ट्रॉली ने। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे उड़न खटोला लेके एक बार और निकला, लेकिन यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी एचपी खत्म हो चुकी थी और ये हमारे अब किसी भी काम का नहीं था। अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सोचा कि रोटेशन दे देता हूँ। ये देखो नाम पढ़ो आया मानथुर। तो यहाँ पे रोटेशन तो सक्सेसफुली हो गया, काफी टाइम लगा रोटेशन देने में स्केटबोर्ड से, लेकिन भाई इन बंदों ने तुरंत स्पॉट कर लिया। क्या ही तगड़ा खेल रहे थे ये बंदे। किसको देखा? हमें देखा किसी को? अब मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया, मेरे पे मॉली आई, जैसी ओपन आएंगे बूम, एक बंदा नॉक हुआ मॉली से और ग्रेनेड से, मैं डैमेज हुआ मॉली से, मैं नॉक हुआ। मैंने अपने टीममेट्स को बोला भाई स्मोक कर दो, कवर देना मेरे को, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट्स कर देते हैं गलती। बिना स्मोक किए उन्होंने आइस का वॉल बनाने का ट्राई किया और स्पाइडर मॉन नॉक। अब मैंने बोला कि भाई स्मोक तो करो भाई, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी स्मोक नहीं किया और यहाँ पे हमारी पेटी बन गई। फिलहाल के लिए हम लोग रिकॉल वगैरह होके आए। अब हम लोगों ने पहले उनको मारा 1v3 किया, फिर उसके बाद उन लोगों ने, चार बंदों ने हम तीनों को मारा। अब यहाँ पे फिर से हमारी उनसे फाइट होने वाली। क्या लगता है आपको कौन जीतने वाला है? अब हम इस इवेंट पे उधर के आए, सामने की साइड थे बंदे, हमें लगा कि ये वही बंदे होंगे। और यहाँ पे अपने पास फाइनली डबल यूएमपी भी हो गई थी, एक यूएमपी सप्रेसर के साथ और एक कॉम्पनसेटर के साथ। इसी के साथ एक कमाल का क्लच, अगर यहाँ पे पीछे से एक गोली मार के मेरा टीममेट मेरा किल नहीं ले लेता तो। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे वो जो M249 वाले को चकमा दिया गाइस, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे हील वगैरह करके, लूट वगैरह करके हम लोग जोन के लिए निकलते हैं डायरेक्ट, और अब यहाँ होगी हमारी फाइट उन्हीं बंदों के साथ। यहाँ पे वो बंदे फाइट ले रहे थे किसी के साथ, तो हम लोगों ने इस बार थर्ड पार्टी किया। वो स्क्वाड है, वो स्क्वाड है। अटैचमेंट मिल सकता है क्या?
अब भाई बस वाले बंदे को डैमेज किया मैंने ग्रेनेड से और उसने मुझे अच्छा खासा डैमेज किया। मैंने यहाँ पे एक मॉली करी, यहाँ हमारी फाइट चल रही थी और पीछे पानी की साइड अलग फाइट चल रही थी। अब भाई यहाँ पे भालू भैया को तो मैंने नॉक कर दिया था ग्रेनेड उनके मुंह पे मार के, लेकिन उन्होंने भी शॉर्ट गन से मुझे अच्छा खासा डैमेज कर दिया था। अब इस टीम का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ था जो कि पीछे साइड गया। मैं यहाँ पे हील करता हूँ जल्दी से। भालू के बच्चे राइट में है वो। Watch out! बाहर। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने सोचा कि ग्रेनेड से ही मारता हूँ, ये भाग के जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो भाग के गया मैंने यहाँ पे बोला भाई ग्रेनेड से नहीं मारूंगा, यूएमपी से मारूंगा। लेकिन तब तक ये अंदर चला गया, थोड़ा डैमेज हुआ ये। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड को किया, एंड बूम, बदलापुर 69 वर्सेस बदलापुर 69 वर्सेस बदलापुर 69। फाइनली गाइस यहाँ पे ये वाली स्क्वाड से हम लोगों ने बदला ले लिया अपनी मौत का। इन्होंने हमसे लिया पहले, फिर हमने इनसे वापस से ले लिया, मतलब अब यहाँ पे 2-1 से यहाँ पे हम इस स्क्वाड से जीत गए। अब सिर्फ चाहिए था हमको चिकन डिनर। सिल्वानस एक्सूट वाले भैया कहाँ मर गए हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आखिरी जो स्क्वाड बची हुई थी यहाँ पे इनसे जो फाइट होने वाली थी वो भाई लिटरली बहुत गॉड लेवल होने वाली थी। अब यहाँ ऊपर तो आके हम लोग बैठ गए, लेकिन भाई बंदे बिल्कुल फुट्स नहीं दे रहे, बिल्कुल भी आहट ही नहीं है, बिल्कुल 3v5 था यहाँ पे। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई ये वेयर हाउस में हो सकते हैं बंदे, इधर एक जन नजर रखना। और वैसे ही मेरे को फुट्स आए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक स्मोक कर दिया। अब देखो भाई ये स्मोक और ग्रेनेड का कॉम्बो, ग्रेनेड कुक किया मैंने, बस देखते जाओ आप लोग, एंड बूम। एक बंदा और था अभी अंदर, सामने की साइड अलग बंदा, और यहाँ पे विक्की ऊपर ही रह गया और विक्की को केयर दिया उसने, सामने वाले ने डैमेज। फिलहाल के लिए वेयरहाउस वाले दोनों बंदे गए। अब ये जो फाइट थी ये थी भाई 3v3 की। मैंने विक्की को बोला कि नीचे आ जा, लेकिन यहाँ पे भाई हम लोगों ने एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एंडिंग इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। फिलहाल के लिए सामने वाले घर से यहाँ से फुट साए बंदे के, एक मेरे पे एक ही स्मोक था तो मैंने इसका विजन ब्लॉक करने के लिए स्मोक किया, उसी टाइम पे पीछे विक्की नॉक। 25 सेकंड बचे हुए थे, मैंने विक्की को बोला भाई नीचे आ जा, भाई टाइम नहीं है, नीचे आ जा। अब यहाँ पे विक्की ने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। सामने वाले बंदे पे मैंने मॉली करके एक ग्रेनेड मारा, बूम। भाई आज के ग्रेनेड्स के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है। अब ये बंदा यहाँ पे मारा गया, स्पाइडर ने विक्की को रिवाइव देना शुरू किया, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं बचा था बिल्कुल भी। मैंने बोला स्पाइडर को भाई जोन आ जा, छोड़ दे विक्की को, जोन आ जा। विक्की रिवाइव हुआ जस्ट और वापस से जोन से नॉक। स्पाइडर लिट था 10 HP, 3 मीटर स्पाइडर भी नॉक। इस बंदे को मैंने डैमेज किया। अब यहाँ पे भाई साहब पता नहीं कौन सा ग्लिच होता है, मैंने ग्रेनेड को किया, वो बंदा डैमेज था लेकिन मेरे हाथ से ग्रेनेड गिर गया। पहली गलती ये हुई, दूसरी गलती ये लो, पहली गलती तो मेरे हाथ से ग्रेनेड गिर गया, वो पता नहीं ग्लिच था या फिर मेरी उंगली उठ गई। दूसरी गलती यहाँ पे मेरे हाथों से हो गई कि मैं ही नीचे गिर गया, यहाँ मैं वापस ऊपर आया, लेकिन भाई इस बंदे ने जो डैमेज किया रीलोड करते में यूएमपी, मुझे वापस से नीचे कूदना पड़ा। और भाई
यहीं से पूरा का पूरा गेम बदल गया। जहां पे आसानी से चिकन डिनर होने वाला था, मैंने सोचा इधर पीछे घूम के जाता हूं, लेकिन भाई साहब यहां पीछे जोन आ चुका था और यहां से जाने का कोई भी उम्मीद नहीं थी कोई भी, क्योंकि मेरी यहां पे एचपी भी हाफ थी। स्पाइडर सामने मर रहा था, इसका टीममेट भी मर रहा था, लेकिन यहां पे ये बंदा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अपने टीममेट को मैं वेट कर रहा था कि ये रिवाइव करने जाए, लेकिन भाई ये बंदा गया नहीं। मैं यहां पे फाइनली थोड़ा नीचे आया, रुका सांस लेने के लिए, और यहां पे भाई साहब जैसे ही मैं नीचे आया, इस बंदे ने यहां पे खेल खत्म कर दिया।